आज होली का भी दिन है तो हैप्पी होली गाइस। शायद ये व्लॉग थोड़े दिनों बाद आएगा। हाय एवरीबॉडी, आज एक न्यूज़ देनी थी कि मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ आज, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। सो फाइनली मेरी पढ़ाई हो गई है ख़त्म। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है, कुछ अगर पता करना है कैमरूप्स के बारे में या यहाँ पे लाइफ के बारे में, या गाइडेंस चाहिए होगी किसी के, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट्स एंड वीडियोस रेगुलर बेसिस पे बनाता जाऊँगा। एंड नाउ आई विल ट्राई टू कवर कैमरूप्स अराउंड कैमरूप्स, सो दैट यू शुड ऑल नो हाउ लाइफ ओवर ईयर इज एंड हाउ पीपल ओवर ईयर लिव। बट सबको हैप्पी होली और अभी वर्क परमिट का सब काम था। मेरे बाल थोड़े बढ़ गए हैं, अभी कटाने पड़ेंगे। डेली व्लॉगिंग की एक्चुअली बीच में ये प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरा फाइनल ग्रेजुएशन के लिए एक सब्जेक्ट बाकी था ओपन लर्निंग के लिए, और उसके वो ओपन लर्निंग कोर्स में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी बिकॉज वो टीचर बहुत डिमांडिंग थी और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए मेरे बीच में व्लॉगिंग बंद कर दिया था। लेकिन अब से मैं फिर वापस शुरू कर रहा हूँ, अब से मैं आपको यहाँ का लाइव अपडेट दे दूंगा। मेरे को ग्रेजुएशन लेटर मिल गया है, तो आज मुझे एक चीज़ पता चली कि जब आप TRU आ रहे हो और आप अगर ग्रेजुएट या पोस्ट बैक डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हो, तो इट इज़ ओनली कंपलसरी दैट एवरी फॉल एंड विंटर्स यू हैव टू एटलीस्ट हैव 3 subjects, दैट इज़ इक्वल टू 9 credits for your semester. And if you are taking that much of course, like 3 courses each fall and winter, you are eligible. So every summer you can take a break and you can work full time and you can earn your expenses. The only requirement to be a full time student is in winter and fall. So on my graduation letter, it is clearly stated that I have fulfilled the norms of being a full-time student in every winter and fall since 2019, and that's why I can apply for post-graduation work permit. So this is one thing which you have to remember when you are in TRU or in Canada, that every fall and winter you have to be a full-time student to fulfill the requirement of post-graduation work permits. This information with you all, and please be with me on my daily vlog so that you will get such updates on each and every vlog, and so that before you come to Canada you are completely informed and you know how things function over here. So stay tuned and let's see how the day goes. Now I am applying for post graduation work permit, so my CIC account is ready. I have updated everything. I was just waiting for this 2 documents so that I could update it and get my post graduation work permit. So hi, sham ke baj gaye 7 aur abhi ho gaya hai din lambe. Ab ho rahe 7:30, lekin abhi bhi agar aap bahar dekhenge na to थोड़ा बहुत तो उजाला है, इट इज स्टिल ब्राइट। और समर्स में यहाँ पे सनसेट होता है अराउंड 9:30, तो बहुत अभी ऑसम टाइम आने वाला है। और गाइस, आज बन रहे हैं पुलाव। बिरयानी सोचा था लेकिन पुलाव पे सेटल किए है तो आज बन रहे हैं पुलाव। और वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दिया है, फॉर्म सबमिट कर दिया, और होपफुली कल तक मेल आ जाएगा मेरा सबमिशन का एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। और नेक्स्ट वीक से मेरी जॉब भी चालू हो रही है एंड आपको वहाँ भी दिखाऊंगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बात करनी थी रिगार्डिंग TRU। जब मैं यहाँ पे आया था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा भी होता है कि जितने आपको लिस्ट पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उससे ज़्यादा ये बोलते हैं पढ़ने। तो आप जब भी TRU आएंगे तो इधर 2 इंग्लिश के कोर्सेज, एक प्रोफेशनल राइटिंग और एक
यूनिवर्सिटी राइटिंग, ये दो ऐसे कोर्स है जो आपको कंपलसरी करने पड़ेंगे, और ये कोई भी ना पोस्ट बैक के कोर्स आउटलाइन में दिखते हैं या कहीं भी नहीं दिखते। तो ये दो सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो उसके एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो भी आपकी फ़ीस में काउंट होते हैं। प्लस जो आपकी फ़ीस है उसके अंदर टैक्सेस नहीं काउंट होते हैं, तो 12% टैक्स है वो एड ऑन हो जाएगा उसमें। तो जो 37,000 आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर कोर्स का दिखाया जा रहा है ना, तो वो अल्टीमेटली 50,000 के करीब करीब आ ही जाएगा। तो आप चाहे पोस्ट बैक कर रहे हो, अगर आपका 37,000-38,000 दिखा रहे हैं, तो वो अराउंड आप समझ लीजिए ना 10,000-12,000 ऊपर ही समझिए। और रही बात MBA की, तो 50,000 दिखा रहे हैं, तो इट कम्स टू अराउंड $60,000। तो ये है इधर। एक और दिन ख़त्म होते हुए कुछ अच्छी खबर मिलते हुए, वर्क परमिट अप्लाई करते हुए मैं आप सब से अलविदा लेता हूँ आज के लिए। कल मिलते हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। बाय बाय। दिस इज कैमलूप्स, दिस इज द ब्यूटिफुल कैमलूप्स।